हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ली रिपीटेंट। सो स्टूडेंट, देखने वाले अबाउट द एडमिशन इन द RGNEU, दैट इज राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, एंड इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्डेड इज मोर देन 95%, मींस मैक्सिमम लोग जो यहां से कोर्स करते हैं दे आर प्लेस्ड। और यूनिवर्सिटी है कहां पर, इट इज इन फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहां पर जो सारी फैसिलिटीज होती हैं कॉलेज में सारी मिल जाएंगी, ओपन एयर थिएटर, बाकी यहां देख सकते हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, सेमिनार हॉल्स, कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाने वाली हैं। और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 576 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है यहाँ पर हॉस्टल के लिए। तो यूनिवर्सिटी करंटली तीन प्रोग्राम ऑफर करती है। फर्स्ट इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस, सेकंड इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज, दैट इज BMS इन एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो, एंड थर्ड वन इज बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स। सो यूनिवर्सिटी अभी ये तीन प्रोग्राम ऑफर कर रही है। यूनिवर्सिटी का और प्लान है कि वो आगे बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर करेगी। सो जो हम देखने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द BMS कोर्स, दैट इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज। सो इट इज ए 3-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें 2 साल की रहेगी आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग, स्टडीज रहेंगी, इसके अलावा 1 year की रहेगी यहाँ पर इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा ऑफ ₹7,500। 1 batch ऑफ BMS प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड एंड मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन रेप्यूटेड एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स, कार्गो कंपनीज। तो जो 1st batch है वो इसका निकल चुका है और उसमें जो प्लेसमेंट रही थी इट इज 90%, मीन्स इतने स्टूडेंट जो है प्लेस हो गए थे इन डिफरेंट एयरपोर्ट कंपनीज एंड कार्गो कंपनीज। इसके अलावा जो बेसिक फायर फाइटर्स कोर्स है, इसमें भी मोर देन 90% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर प्लेस्ड। अगर बात करें फ्यूचर प्रोग्राम की, तो इन फ्यूचर आपको ये सारे जो प्रोग्राम है ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द BSc एविएशन, 3 year का ड्यूरेशन रहेगा और इसमें आपको CPL प्लस BSc डिग्री दोनों मिलेगी, मीन्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस और BSc डिग्री दोनों यहाँ पर मिल जाने वाली है। सो पायलट बनने का कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा इन फ्यूचर। इसके अलावा BSc इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, 3 year का कोर्स रहेगा और यहाँ पर आपको AMA लाइसेंस प्लस BSc डिग्री दोनों मिलेगी। थर्ड इज इंटीग्रेटेड BBA MBA इन सिविल एविएशन मैनेजमेंट, 5 year का ड्यूरेशन रहेगा, ये भी स्टार्ट होगा यहाँ पर। इसके अलावा MBA इन सिविल एविएशन मैनेजमेंट, 2 year का कोर्स रहेगा, ये भी स्टार्ट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 specializations होने वाली है, फर्स्ट इज द एयरलाइन मैनेजमेंट, सेकंड इज द एयरपोर्ट मैनेजमेंट। और लास्ट जो प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है वो है BCOM इन एविएशन बिजनेस, 3 year का ड्यूरेशन रहेगा। सो इन फ्यूचर ये जो प्रोग्राम्स हैं ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जो यहाँ पर है वो BMS ऑफर किया जाता है इन एविएशन एंड कार्गो। इन फ्यूचर ये सारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स। सो कोर्स नेम इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज इन एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, सो द कैंडिडेट हैव स्कोर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 10+2, मीन्स 12th क्लास में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द SC/ST कैटेगरी। जो एज लिमिट है नॉट मोर देन 21 years, और जो कट ऑफ डेट है वो है 31st August 2024, मीन्स 21 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की रिजर्वेशन की, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर होने वाली है 120, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन कैसे होगा, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द फाइनल मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 12th फॉलोड बाय रिटन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, एंड इंटरव्यू, इन सभी कंबाइंड बेस पे जो मेरिट है वो बनेगी। सो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मे बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय एसेसिंग द RGNEU वेबसाइट। जो RGNEU की वेबसाइट है दैट इज www.rgneu.ac.in, यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब मिलेगा, वहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है 10th May से, और लास्ट डेट जो रहने वाली है उसकी वो रहने वाली है 21st June। सो 10 May से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 21 June तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बात करें फॉर्म की फीस की, तो ₹1,000 फॉर द जनरल एंड ओबीसी बॉयज, एंड ₹500 फॉर द ऑल गर्ल्स एंड SC/ST बॉयज। नेक्स्ट बात करते हैं फीस की, कि फीस कितनी यहाँ पर, तो फीस जो है टोटल 3 year का कोर्स ड्यूरेशन होने वाला है। तो 3 year के कोर्स ड्यूरेशन के लिए अगर हम बात करें बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए जो टोटल फीस का अमाउंट रहने वाला है 5,36,000। इसमें पूरा कोर्स हो जाएगा, इसमें जो हॉस्टल फीस है वो भी इंक्लूड है, इसके अलावा जो मैथ्स फीस है वो भी इंक्लूड है, इसके अलावा जो ट्यूशन फीस है वो भी इंक्लूड है, मीन्स सारी फीस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्यूशन, मैथ्स, हॉस्टल, जितनी भी फीस यहाँ पर लगने वाली है वो सारी इसमें इंक्लूड है अंडर 5,36,000। इसके अलावा अगर बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए फीस का अमाउंट जो है थोड़ा सा कम है, गर्ल्स को करीब 5,10,000 लगेंगे फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। सो बॉयज के लिए 5,36,000, गर्ल्स के लिए 5,10,000। सो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट माने मोटा मोटा, तो 5.5 lakhs में जो पूरा कोर्स है वो आपका हो जाने वाला है यहाँ पर फॉर द BMS। तो ये थी जानकारी अबाउट द BMS इन एविएशन एयर कार्गो सर्विसेज। फॉर्म कैसे भरना है चलिए अब उसको देखते हैं। सो फॉर्म भरने के लिए आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पर टाइप करना है
rgnau.ac.in। सो ये आ गए हम rgnau की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिख जाएगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 2024 एडमिशन। तो हम क्लिक कर देते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 2024 एडमिशन, इस पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर ऊपर देखिएगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 2024 एडमिशन, इस पे कर देंगे क्लिक। सो ये आ गया है यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल। सो यहाँ पर दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर दिख रहा है लॉग इन का ऑप्शन। सो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो हम करेंगे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। सो यहाँ पर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह होना चाहिए, सब बेसिक जो डिटेल्स है ये मांग रखी है। तो यहाँ पर हम भरते हैं अपना डिटेल्स। यहाँ भरते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे डे, यहाँ सेलेक्ट कर देंगे मंथ और यहाँ सेलेक्ट कर देंगे ईयर। तो यहाँ हमने भर दिया है अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर भरनी है अपनी ईमेल आईडी, तो यहाँ डाल देते हैं ईमेल आईडी। यहाँ पर री एंटर करना है ईमेल आईडी, यहाँ बनाना है पासवर्ड, तो हम बना लेते हैं पासवर्ड। यहाँ पर रिकन्फर्म करना है पासवर्ड, यहाँ डालना है मोबाइल नंबर और यहाँ पर री एंटर करना है दोबारा से मोबाइल नंबर। यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके यहाँ पर जो दिख रहा है रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंट ऑन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर करना है वेरीफाई अकाउंट, जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी में भेजा गया है ओटीपी, उस ओटीपी को डाल देना है यहाँ पर। ये दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ डाल देना है और यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट ओटीपी पे। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो हमने कर लिया रजिस्टर, तो दोबारा से आ गए हम पहले वाले पेज पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इस टाइम हमें करना है लॉग इन, तो क्लिक करेंगे लॉग इन पे। तो यहाँ डालनी है अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी, यहाँ डाल देंगे हम अपनी ईमेल आईडी और यहाँ डालना है पासवर्ड जो आपने बनाया था। डालने के बाद यहाँ दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को करेंगे फिल और यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है, लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे दो और ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड और रिसेंट अकाउंट वेरिफिकेशन कोड। तो अगर आप भूल गए तो ये भी कर सकते हैं, मगर इस केस में हम कर देते हैं लॉग इन। सो ये आ गए हम फॉर्म भरने की डिटेल्स पे। सो यहाँ पर तीन सेक्शन में पूरा फॉर्म भरने वाला है, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट्स। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल वाले सेक्शन पे, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो हमें भरने यहाँ पर सारी प्रोफाइल डिटेल्स। सो यहाँ पर लिखा हुआ यू कैन नाउ बिगिन फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन 2024-25 एट द RGNAU। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 66 है, मींस अभी तक 65 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है और ये 66 नंबर का फॉर्म फिलिंग हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रहा आपका ईमेल आईडी और ये रहा करंट डे। तो पूरा प्रोसेस है, तीन स्टेप में होने वाला है। पहले में करना है हमें कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरे में करना है हमें प्रोग्राम के लिए अप्लाई और तीसरे में करना है हमें फीस पेमेंट। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वेलकम सी योगिता और यहाँ पर दिख रहा है बगल में इसके अपडेट का ऑप्शन, तो करेंगे क्लिक अपडेट पे। सो अपडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमें नाम वगैरह तो हमने डाल दिया था पहले, सब कुछ वहीं से उठा लिया इसने। इसके अलावा यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेंडर, तो जेंडर सेलेक्ट करेंगे फीमेल। यहाँ सेलेक्ट करना है हमें अपनी कैटेगरी, तो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनरल। यहाँ पर अगर आपको देना है अल्टरनेट ईमेल आईडी तो यहाँ पर दे दो, वरना कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका जो दिया था आपने पहले वो आ ही रहा है। इसके अलावा तो यहाँ पर दिख रहा है ऑल्टर मोबाइल कंट्री कोड, सो ऑलरेडी इसने इंडिया सेलेक्ट कर ही रखा है, मगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ दे रहा है पेरेंट्स का अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो ये कंपलसरी नहीं, अगर देना है तो दो वरना रहने दो। इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है ब्लड ग्रुप का ऑप्शन, तो ये भी कंपलसरी नहीं, अगर देना है तो वरना रहने दो। इसके अलावा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम यस पे। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना रिलीजन। नीचे दिख रहा है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, तो आपका जो बर्थ है कहाँ हुआ था, सो यहाँ डाल देते हैं हम प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्री, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट डाली है डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, तो यहाँ पर मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन और मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑफिस एड्रेस, मदर डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें डालनी है। इसमें यहाँ पर स्टार मार्क दिख रहा है वही यहाँ पर कंपलसरी है, बाकी सब चीजें कंपलसरी नहीं है। तो अगर भरना है तो भरो, वरना रहने दो। तो हम यहाँ पर जो कंपलसरी चीजें इसलिए वही भरते हैं। फादर नेम, यहाँ पर बोल रहा है कि इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम डाल देते हैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। कंबाइंड फैमिली इनकम, ये कंपलसरी ऑप्शन है तो इस पर करना है क्लिक। सो जितनी भी कंपलसरी चीजें थी हमने भर दी हैं, बाकी जो और चीजें हैं अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इससे आता है RGNAU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हैव यू एनरोल्ड इन RGNAU बिफोर, तो अगर आपने पहले एनरोल हो रखे हैं तो यस, वरना फिर नो, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसको कर देंगे हम नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट अगर हैं तो यस वरना नो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जेएनके स्टूडेंट्स, अगर एप्लीकेबल है तो करेंगे यस वरना नो। नेक्स्ट चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, तो अगर है तो करेंगे यस वरना फिर नो। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, मीन्स अगर आप फैमिली में सिंगल गर्ल हैं और आपको कोई भाई बहन कुछ नहीं है तो उस केस में आपको
मिलेगा यहाँ पर रिजर्वेशन, तो एक से दो सीट उनके लिए होती है, तो अगर है तो यस करेंगे, अपने नो पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक कर देते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज कोटा, तो अगर यहाँ पर है तो कर देंगे उसको क्लिक, वरना फिर नॉट अप्लीकेबल। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, वरना फिर नो, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एड्रेस डालने का ऑप्शन, यहाँ पर डाल देंगे अपना एड्रेस, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी सिटी, यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट, तो स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। यहाँ डालना है आपको अपना पिन कोड, यहाँ पर बोल रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर करेंगे क्लिक, तो ये अपने आप ही ले लेगा सारा। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का, तो क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, ऐसा पॉपअप आएगा, और इश्योर यू वांट टू सेव, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ओके पे। तो प्रोफाइल डिटेल्स हमने सारी भर ली है, जो जो भरी है डिटेल्स आपने सारी, वो यहाँ पर आ जाएंगी, आप उसको चेक कर लें कि प्रॉपर सही है नहीं सही है, अगर सही नहीं है तो यहाँ पर जो अपडेट डिटेल्स है यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन प्रोसीड टू नेक्स्ट पे, तो कर देंगे क्लिक प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। इस यहाँ पर भरनी है हमको अदर डिटेल्स, सो डू यू हैव एनी इलनेस व्हिच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो यहाँ पर कर देंगे नो पे क्लिक। डू यू हैव एन एनसीसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे नो पे क्लिक। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट वो पूछेगा, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द एनएसएस, अगर आपने नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट किया है तो यस, वरना फिर नो, अगर आप यस करेंगे तो पूछेगा ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हम करेंगे नो पे क्लिक। वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय मीन्स आपके फादर या मदर जो आरजी एनयूएस में काम करते हैं नहीं करते, तो यहाँ पर हम कर देंगे नो पे क्लिक। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेज ये सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल है उसको टिक कर देंगे, तो हम इस पर कर देते हैं टिक। अदर लैंग्वेज अगर भरनी है तो भर दो, वरना फिर रहने दो। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सेव नेक्स्ट का, करेंगे इस पर क्लिक। अदर डिटेल्स दी हैं वो आ जाएंगी एक साथ, उसको चेक कर लेंगे दोबारा से, अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो कर देंगे इस पर क्लिक। थर्ड सेक्शन आ गया अपलोड्स का, सो अपलोड्स में आपको फोटो सिग्नेचर, सभी डॉक्यूमेंट का साइज है वो होना चाहिए 10 से 500 KB के बीच में, और पीडीएफ फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पर चल जाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक, और यहाँ पर जहां पर भी आपकी फोटो है उसको कर देंगे सेलेक्ट। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट अपलोड, तो यहां से आ जाएगी आपकी फोटो। नेक्स्ट करना है आपको सेलेक्ट सिग्नेचर, साइन को किया सेलेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट अपलोड पे, तो ये आ गया साइन। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं एसजीसी सर्टिफिकेट मींस सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला ऑप्शन क्लिक किया था, यस किया था उस पर, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसका अपलोड करने को बोल रहे हैं एसजीसी सर्टिफिकेट अपलोड, अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट दिख रहा है आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन, सो एक बार यहाँ पर उसको नो करके देखते हैं तो क्या ये दोबारा से अपलोड करने को बोलेगा, तो चलो देखते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन ही बैक टू अदर डिटेल्स, तो इस पर करेंगे क्लिक, दोबारा से क्लिक करेंगे यहीं पर, तो हम पहुंच जाएंगे सबसे पहले वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है अपडेट डिटेल्स, तो यहाँ हम दोबारा से उसी वाले सेक्शन पे, सो यहाँ पर जो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला ऑप्शन है उसे एक बार नो करके देखते हैं। तो यहाँ दिख रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, तो यहाँ पर यस क्लिक करके हमने, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नो, और आगे बढ़ जाते हैं सेव नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। डिटेल्स हमने सारी भरी दी थी, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। अदर डिटेल्स सारी भर दी थी, प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो अब जो सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो सर्टिफिकेट था वो हट गया है, यहाँ पर जो हमें अपलोड करना है वो करना है इनकम सर्टिफिकेट। सो मीन्स आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, तो फाइल पे करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो एक पीडीएफ वगैरह पड़ा है उसको हम यहाँ पर कर देंगे अपलोड। फाइल को कर लिया सेलेक्ट, यहाँ पर स्टार्ट अपलोड क्लिक करेंगे, तो फोटो हो गई है अपलोड, सिग्नेचर भी हो गया और इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया। यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट प्रीव्यू, तो करेंगे इस पर क्लिक। अच्छा, अगर हम इनकम सर्टिफिकेट अपलोड ना करें इसको हम कर देते हैं डिलीट, तो अगर यहां क्लिक करते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू पे, सो हमने यहां से जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको हटा दिया है, तो अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू पे, तो भी इसने आगे जो डिटेल्स है वो ले ली है, तो जो भी डिटेल्स भरी थी आपने वो सारी यहां पर आ जाएंगी, और इनकम सर्टिफिकेट की जगह दिख रहा है नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो अगर आपके पास है तो कर दो, वरना फिर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दिख रहा है सबमिट एंड लॉक, तो कर देंगे इस पर क्लिक। सो यहाँ पर ऐसा पॉपअप आ जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है, तो यहाँ पर जो टिक ऑप्शन है इस पर करेंगे क्लिक, और कन्फर्म एंड लॉक वाला जो बटन है उस पर कर देंगे क्लिक। अब आती है प्रोग्राम डिटेल्स भरने का ऑप्शन, सो सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वॉन्ट टू अप्लाई, तो प्रोग्राम लेवल पे करेंगे सेलेक्ट। सो बैचलर सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बैचलर्स पे क्लिक। अब यहाँ पर आ रहा है प्रोग्राम,
तो एक ही प्रोग्राम है बैचलर्स को यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज बीएमएस। तो यहाँ पर कर देंगे क्लिक। तो स्टडी सेंटर एक ही कैंपस है इसका, तो वहीं पर होने वाली सारी स्टडीज तो कर देंगे आरजीएनयू को क्लिक। यहाँ दिख रहा है प्रोसीड का ऑप्शन, तो करेंगे इस पर क्लिक। तो ये भर दिया हमने प्रोग्राम की डिटेल्स। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर करेंगे क्लिक। जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूरी हो गई है। दोबारा से यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन। सो एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो आपने 10+2 में 50% मार्क्स स्कोर किए हो, तो यहाँ पर जो टिक ऑप्शन दिख रहा है इस पर कर देंगे क्लिक। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है 10th क्लास की वो डालनी है, तो क्लास 10th पासिंग, तो कब पास किया था आपने वो डाल देना है यहाँ पर। इसके अलावा क्लास 10th का परसेंटेज, डिविजन क्या थी क्लास 10th में, क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर जो स्कूल है उसका नाम डालना है। क्लास 10th बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो डाल देना है। यहाँ डालना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपके पास साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी था वो सब यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट आता है क्लास 12th की डिटेल्स। सो क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो क्वालिफिकेशन स्टेटस में दो चीजें दिखाएगा, पास और अपीयरिंग। अगर आप पास डालेंगे तो आपको जो सारी डिटेल्स है दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी जैसे हमने 10th क्लास की है। तो यहाँ पर हम अपीयरिंग का ऑप्शन करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर नंबर पर कुछ नहीं पूछेगा वो। सो जैसे हमने डाला अपीयरिंग, तो यहाँ पर इसने अपने आप ले लिया है क्लास 12 पासिंग है 2024 और क्लास 12 डिवीजन फर्स्ट इसने अपने आप ही ले लिया है। दिख रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर डाल देंगे स्कूल का नेम। बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी आपकी, तो हम डाल देंगे सीबीएसई। क्लास 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो क्योंकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ दिख रहा है सेव एन एस का ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। सो जो आपने भरी है एकेडमिक डिटेल्स वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी, इसको कर लेंगे दोबारा से चेक। और यहाँ पर जो दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो इस पर कर देंगे क्लिक। अब मांग रहा है अदर डिटेल्स, तो ये सब हमने भरी रखा था। यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है करेंगे उस पर क्लिक। नेक्स्ट दिखा रहा है अपलोड का सेक्शन, तो अपलोड के सेक्शन में हमने ये सब डाल दिया था। एक जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मांग रहा है वो मांग रहा है 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो। यहाँ पर फाइल को करेंगे सेलेक्ट, तो फाइल को सेलेक्ट करके और यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो ये हो गया अपलोड। दिख रहा है नेक्स्ट प्रीव्यू का ऑप्शन, तो करेंगे प्रीव्यू पे क्लिक। तो जो आपने भरी है डिटेल्स वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाने वाली है, उसको दोबारा से चेक कर लेंगे। अगर आपको अभी चेंज करना है तो यहाँ से प्रीवियस पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो सारा फॉर्म यहाँ पर नीचे दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो कर देंगे सबमिट पे क्लिक। सो वेरीफाई डिटेल्स करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो सारी देगा। और यहाँ पर दिख रहा है वेरीफाई डिटेल्स बाय चेकिंग द चेक बॉक्सेस, तो यहाँ पर जो जो आपने भरी डिटेल्स वो सारी दोबारा से एक बार चेक कराएगा। तो यहाँ पर जो सारी डिटेल्स हैं उसको देख के कि आपने जो भरा है, और यहाँ पर जो टिक बॉक्सेस आ रहे हैं उन टिक बॉक्सेस को क्लिक करते जाना है। सो जितने भी टिक बॉक्सेस है हमने सब पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर टू पे द एप्लीकेशन फीस, और एप्लीकेशन फीस का जो अमाउंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 500 रुपीज। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू पे फीस, तो फीस पेमेंट का कुछ अलग सा पोर्टल है, तो चलो इसको भरते हैं। सो एंटर पेमेंट डिटेल्स, तो पेमेंट कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशन पेमेंट फीस से पहले से आएगा सेलेक्ट। सो यहाँ मांग रहे हैं फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर जब हमने फॉर्म की स्टार्टिंग करी थी तो हमें फॉर्म नंबर दिखा रहा था फॉर्म नंबर क्या है, तो आप सब उसको पहले से नोट करके रखना। सो फॉर्म नंबर हमारा था 66। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ डालेंगे, फादर नेम यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डेट ऑफ बर्थ वहां डाली थी वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। यहाँ करना है सेलेक्ट जेंडर, यहाँ सेलेक्ट करना है कैटेगरी, यहाँ डाला मोबाइल नंबर, यहाँ डाली ईमेल आईडी, और यहाँ जो कोर्स का ऑप्शन है उसको करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पर हमने बीएमएस क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर 500 या 1000 कितना एप्लीकेबल है, तो क्योंकि जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सभी जो फीस है 500 रुपीज है, तो जो भी फीस यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेबल हो वो यहाँ कर देंगे सेलेक्ट। तो यहाँ करते हैं 500 रुपीज सेलेक्ट। सो रिमार्क्स में डाल दिया हमने आरजीएनयू एप्लीकेशन फीस फॉर द बीएमएस कोर्स 2024। सो सारी आ गई है पेमेंट डिटेल्स। नीचे भरनी है आपको इंडिविजुअल डिटेल्स, यहाँ भरना है आपको नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो दिख रहा है टिक का ऑप्शन, इस टिक के ऑप्शन पे करना है क्लिक। और यहाँ पर भरना है कैप्चा, और कैप्चा भरने के बाद आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, तो पहुंचेंगे आप पेमेंट गेटवे पे, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, करेंगे इस पे क्लिक। अब जो आपने भरी है डिटेल्स वो बोलेगा वेरीफाई करने को, तो जो भी आपने भरा है उसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। नेक्स्ट आया है कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक किसे करना चाहते हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं किसी एक पे, तो यहाँ पर खुल जाएगा ये आपका पेमेंट का पोर्टल। तो 500 फीस है, 17 रुपये चार्जेस है, सेलेक्ट योर बैंक, बैंक करना है सेलेक्ट। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक हो उसे कर लेना है सेलेक्ट। और यहाँ पर दिख रहा है मेक पेमेंट का ऑप्शन, तो करेंगे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक, बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे, तो इस तरह से आपको जो पूरी पेमेंट है वो हो जाएगी।
सो इस तरह से भरना है BMS Aviation Air Cargo Services at the RGNU application form. So form filling का प्रोसेस है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फॉर्म्स. काफी सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉर्म फिलअप करना है. सो पहले आप फॉर्म फिलअप की वीडियो पूरी देखें, उसके बाद ही यहाँ पर जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करें. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग.